सो मच फॉर कमिंग, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। गायजा इज फॉर मी, मेरे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज गाना है, बिकॉज ये मैंने आई थिंक 2017 में कंपोज किया था, और उस टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। फिर आई थिंक 2020 लॉकडाउन, इंडिपेंडेंट म्यूजिक राइजिंग, उस टाइम पे अरिजीत ने बोला कि आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग, सो लगा ओके लेट्स डू इट एंड फिनिश इट। सो श्लोक ने ऑलरेडी लिरिक्स लिखे हुए थे, और मुझे मेरे माइंड में था कि आई नीड लाइक अ सॉन्ग विच एक्सप्रेसेस सेल्फ लव। जो हम भागदौड़ की दुनिया से मतलब चलते रहते हैं, और हाउ टू लाइक यू नो जस्ट बी सेल्फ, थोड़ा सेल्फ, खुद से प्यार करने वाला जो सीन है वो उसके लिए ही किया था ये गाना। एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ प्रॉब्ली एवरी पर्सन, जो हम लोग हसल रेस कर रहे हैं हर दिन, उसको ही दिखाने की कोशिश की है कि स्टॉप, रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन स्टार्ट अगेन। सो क्योंकि लिरिक्स श्लोक ने लिखे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक बेटर एक्सप्लेनेशन देगा इसका, तो आई लैंड इट ओवर टू। इनफैक्ट ये सेल्फ लव वाला जोन, और फिर गाना क्योंकि बनते बनते भी काफ़ी टाइम लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो थीम है गाने की, प्रोक्रेस्टिनेशन या हर चीज़ को डिले करना, आज को कल पे डाल देना, जैसे हर एक चीज़ में हम लोग करते हैं, शायद अगर जिम जाने की बात हो या फिर छोटी सी बात क्या यार 5 मिनट और सो लेने दो, तो ऐसे छोटे छोटे उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके ये गाना बना, जो कि मैं खुद जी रहा था उस समय इन चीज़ों को। तो गाना लिखने में भी जब सनी पूछता था कि कब दे रहा है, बोला एक दिन बाद देता हूँ, तो वैसे करके। बट आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल फीलिंग है ये, हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ में जूझ रहे हैं, वो लचते हैं, बट इससे काम भी निकल जाता है कई बार। टेकिंग इट स्लो मेक्स यू लुक एट थिंग्स इन अ बेटर वे, एंड देन यू अप्रोच इट इन अ बेटर वे आल्सो। सालों का एक्सपीरियंस रहा है, यू बीन यू नो पार्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट सिनेमा, बेस्ट म्यूजिक दैट वी वर्क, प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड अबाउट द फिल्म्स दैट यू बीन पार्ट ऑफ बिफोर कमिंग टू द सॉन्ग नेक्स्ट। श्योर थिंग। सो मैंने काफ़ी छोटे में आई स्टार्टेड, सो आई वॉज 15 आई थिंक, मैंने स्टार्टेड असिस्टिंग माई ब्रदर एट अ स्टूडियो, और वहाँ से जर्नी चलती गई, 20 साल से ऊपर हो गए अभी। बट आई व्हेन आई लाइक आई वॉज इन बॉम्बे, फिर यहाँ से हैदराबाद मूव हुए, हैदराबाद से फिर वापस बॉम्बे आए, और यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ काम किया। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन हु आई वर्क विथ इज प्रीतम दा, आई वर्क विथ हिम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इन हाउस, और फिर उसके बाद फिर भी वो रिलेशनशिप और वो काम अभी तक चल ही रहा है। इनफैक्ट श्लोक ने भी काफ़ी काम किया है प्रीतम दा के लिए, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो भी चीज़ हम लोग अभी के टाइम में कर पा रहे हैं, प्रीतम दा हैज़ अ बिग हैंड इन इट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग फॉर ऑल ऑफ अस, मी, श्लोक, अरिजीत, सब लोग, क्योंकि अरिजीत और मैं साथ में ही असिस्ट करते थे प्रीतम दा को। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिले, ये जवानी दीवानी, ए दिल है मुश्किल, बर्फी, टू नेम अ फ्यू, और एक अलग एक लाइक यू नो इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर वर्किंग फॉर मी, इट्स लाइक अ फैमिली सीन गोइंग ऑन, जहाँ पे प्रीतम दा है और हम लोग सब उनके बच्चे हैं, और खेलते कूदते ये चला गया, तो या दैट्स प्री मच। श्लोक, यू वांट टू ऐड समथिंग? अगर इससे इस गाने को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट और अगर प्यार मिलता है, तो हम सब लोग विल बी मोर मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच सॉन्ग्स, एंड इट बी समथिंग दैट देन वी कैन डू एज अ मोर प्रोडक्टिव, एज अ मोर ल्यूक्रेटिव साइड टू म्यूजिक, फॉर अस इट विल बी दैट। So, sir, if we talk about Vartika, हम सभी को पता है वो काफी अच्छी डांसर है, और हमने इस वीडियो में देखा वो एक्ट भी कर रही है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है उनके साथ एज अ आर्टिस्ट काम करना? सो जब मैं शूट पे था, एक्चुअली शी वॉज वेरी गुड, उसका फ्लो, द वे शी वॉज जस्ट गेटिंग इन टू द जोन, जो गाने में भी है, वो काफ़ी ईज्ड आउट था, मुझे लगा ही नहीं कि पहले उसने कभी एक्ट नहीं किया है वीडियो में, एंड आई थिंक इट्स अ स्पेशल पॉइंट एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हर ऑल्सो टू है, बहुत नेचुरल, शी इज़ वेरी वेरी नेचुरल, एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल स्वीट लिटिल गर्ल, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, एंड अमेजिंग, शी इज़ जस्ट रियली गुड। तो जैसा आपने बताया, आपने लास्ट ईयर 2021 में अनाउंस कर दिया था गाने के बारे में, और अब जाके रिलीज हो रहा है, तो उसके बीच ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेस ऑडियंस के थ्रू जो आप शेयर करना चाहते हो? उसके बीच तो मैं काफ़ी सोशल मीडिया में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ,
लेकिन इतने सारे मैसेजेस आए अरिजीत के फ़ैन फॉलोअर्स के, वर्तिका के फॉलोअर्स कि कब आ रहा है गायजा, कब आ रहा है। मैंने कुछ और एक गाना रिलीज़ किया उसका पोस्ट डाला, सर ये तो ठीक है लेकिन गायजा कब आ रहा है। तो एक्चुअली मज़ेदार भी है इंटरेक्शन, बिकॉज जो भी लेट हुआ है जिस भी वजह से लेट हुआ है, लेकिन जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करने मिला वो काफ़ी सही था। अपकमिंग है काफ़ी सारे गाने हैं एक्चुअली, मैं अभी कोई भी प्रोजेक्ट इतना सॉलिडिफाइड नहीं है कि मैं उसके बारे में बता सकूं, बट देर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप फिल्म साइड में। मैं पर्सनली आई एम वर्किंग ऑन ब्रह्मास्त्र, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, एंड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हम लोग काफ़ी सारे कोशिश कर रहे हैं। श्योर थिंग, ओके। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट म्यूजिक, तो फिल्म वाली तो बात अलग होगी, बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैंने एक स्टूडियो / प्रोडक्शन हाउस फॉर म्यूजिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है गॉडफादर प्रोडक्शंस। सो गॉडफादर प्रोडक्शंस का मोटिव यही है कि वी वॉन्ट टू गिव दैट चांस एंड गिव दैट स्पेस टू अपकमिंग म्यूजिशियंस, अपकमिंग सिंगर सॉन्ग राइटर्स जो अपना गाना बनाना चाहते हैं, या फिर दे वॉन्ट टू एग्जीक्यूट अ सॉन्ग इन वट एवर वे, वेदर दे वॉन्ट टू मेक अ म्यूजिक वीडियो फॉर इट। सो वी आर देयर टू वर्क फॉर देम एंड लाइक यू नो इन वट एवर वे पॉसिबल। आने वाले प्रोजेक्ट्स में शहजादा है जो कि आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर आएगी, प्लस ब्लाइंड आ रही है, देर आर कपल ऑफ धर्मा मूवीज दैट आर इन लाइन, तो ये मूवीज़ हैं, प्लस सिंगल्स तो आते हैं, मतलब वो जब आते हैं तो मुझे भी वैसे ही पता चलता है कि भाई बस आने वाला है, तो उस समय एक वो माहौल बन जाता है। तो ये है, काफ़ी एक्साइटिंग है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम होपिंग दैट इस गाने के साथ साथ और सारे गाने ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही पसंद है वो, मज़ा आ जाएगा बस वो। पार्ट टू गायजा का पार्ट टू शायद से, तू भी गायजा, या तो तू भी गायजा नहीं तो नाचे जा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।